बहुत समय पहले की बात है, एक जादुई नदी में पानी के नीचे एक गुफा में सफेद शेर अपने परिवार के साथ रहता था। सफेद शेर के परिवार में उसकी पत्नी शेरनी और एक बेटी थी जिसने हाल ही में जन्म लिया था। सफेद शेर और शेरनी अपने बेटे के आने से बहुत ही खुश थे। वे दोनों अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते और उसका पालन पोषण कर रहे थे। नन्ही शेरनी बिल्कुल अपने पिता की तरह दूध जैसी सफेद थी। एक दिन सफेद शेर अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, शेरनी, पास वाले जंगल के महाराज जोरावर ने हम सभी जानवरों की एक खास मीटिंग रखी है। हमें वहां जाकर उस मीटिंग में उपस्थित होना है। मेरी बेटी, हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम कोई शैतानी मत करना और भूल कर भी इस गुफा से बाहर मत जाना। ठीक है पिताजी, मैं गुफा से बाहर नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी को ऐसा कहकर सफेद शेर और शेरनी वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं उस जादुई नदी में पानी के नीचे ही एक मैस्टिक वाला शैतानी शेर रहता था। वह मैस्टिक वाला शेर बड़ा ही भयानक था। उसके पास भयानक शैतानी शक्तियां थीं। वह शैतानी मैस्टिक वाला शेर सफेद शेर और शेरनी को जाते हुए देख लेता है। वह कहता है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है। शेर और शेरनी दोनों यहाँ से जा रहे हैं। इस सफेद शेर ने हमेशा मेरे मंसूबों पर पानी फेरा है, लेकिन आज मैं इसे अपने सारे हिसाब पूरे करूंगा। इसकी बेटी गुफा में अकेली है। मैं इसकी बेटी को उठा लूंगा और इस जादुई नदी पर कब्जा कर लूंगा। ऐसा कहकर वह शैतानी मैस्टिक वाला शेर सफेद शेर की गुफा में आ जाता है। शैतानी मैस्टिक वाले शेर को देखकर नन्ही शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है। मैस्टिक वाला शैतानी शेर सफेद शेर की बेटी को उठा लेता है और उसे लेकर अपनी गुफा के पास आ जाता है। वहां आकर वह मैस्टिक वाला शेर अपने सैनिकों से कहता है, सैनिको, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें यहाँ आसपास कोई सफेद शेर या शेरनी दिखे तो उसे तुरंत खत्म कर देना। ऐसा कहकर मैस्टिक वाला शेर नन्ही शेरनी को लेकर अपनी गुफा में चला जाता है। उधर जब सफेद शेर और शेरनी अपनी गुफा में वापस लौटते हैं तो वह अपनी बेटी को वहां ना पाकर बहुत परेशान हो जाते हैं। शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अरे यह क्या हो गया, हमारी बेटी कहाँ चली गई? वह अभी बहुत छोटी है। शेर तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरी बेटी ला कर दो। सफेद शेर और शेरनी अपनी बेटी को पानी से बाहर आकर तलाश करने लगते हैं। तभी इतने में एक भालू भागता हुआ सफेद शेर के पास आता है और कहता है, महाराज महाराज, एक शैतानी मैस्टिक वाला शेर एक नन्ही शेरनी को अब उठाकर अपनी गुफा में लेकर गया है। वह नन्ही शेरनी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मदद की गुहार लगा रही थी। उस मैस्टिक वाले शेर की सेना को देखकर मेरी भी उस शेरनी को बचाने की हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर सफेद शेर कहता है, अरे भालू, वह नन्ही शेरनी मेरी बेटी है। वह दुष्ट शेर मेरी बेटी को उठाकर लेकर गया है। भालू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की। मैं उस दुष्ट शेर को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर सफेद शेर और शेरनी मैस्टिक वाले शेर की गुफा के पास आ जाते हैं। तभी उस मैस्टिक वाले शेर के सैनिक सफेद शेर और शेरनी को देखते ही उन्हें घेर लेते हैं। यह देखकर सफेद शेर और शेरनी उन सभी सैनिकों पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं और उन सभी को वहीं मार डालते हैं। सफेद शेर और शेरनी मैस्टिक वाले शेर के पास आ जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि मैस्टिक वाले शेर ने उनकी बेटी को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। तभी मैस्टिक वाला शेर सफेद शेर को वहां देखकर कहता है, अरे सफेद शेर, तू यहाँ कैसे आ गया? तुझे यहाँ का रास्ता किसने बताया? सैनिको, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ और इस शेर और शेरनी को खत्म कर दो। सफेद शेर कहता है, अरे दुष्ट पापी शेर, मैंने तेरे सभी सैनिकों को मार दिया है और अब तेरी बारी है। एक नन्ही बच्ची को उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह सुनकर मैस्टिक वाला शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्तियों से सफेद शेर पर हमला करता है। सफेद शेर भी अपनी शक्तियों से मैस्टिक वाले शेर पर हमला करता है, लेकिन थोड़ी देर में मैस्टिक वाले शेर की शक्तियाँ सफेद शेर की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। सफेद शेर मैस्टिक वाले शेर पर एक जोरदार हमला करता है और मैस्टिक वाले शेर का वहीं अंत कर देता है। सफेद शेर और शेरनी अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं और फिर से हंसी खुशी वहां रहने लगते हैं। एक जंगल में सीमा नाम की एक शेरनी अपने बेटे सिम्बा के साथ रहती थी। सीमा के पति राजा शेर का हाल ही में एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। राजा शेर की मृत्यु के बाद अब अकेली सीमा ही जंगल के जानवरों का ख्याल रख रही थी। एक दिन एक बाघ सीमा के जंगल की एक गाय का शिकार कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक रंगीन शेर वहां आकर उस बाघ को वहां से भगा देता है। तब गाय चैन की सांस लेती है और रंगीन शेर से कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया शेर भाई, अगर तुम आज ना होते तो वह दुष्ट बाघ तो मुझे मार ही डालता। कोई बात नहीं गाय बहन, यह तो मेरा फर्ज था।
अगले दिन वह बाघ एक हिरनी के पीछे पड़ा होता है। वह हिरनी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, यह दुष्ट बाघ मुझे मार देगा। हिरनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह रंगीन शेर कुछ जानवरों के साथ वहां पहुंचता है और उस बाघ पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। अरे दुष्ट बाघ, यह तेरी दूसरी गलती है। अगर फिर से तूने किसी जानवर का शिकार करने का सोचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब बाघ वहां से भाग जाता है। अगले दिन जंगल के सभी जानवर सीमा शेरनी के पास इकट्ठे होते हैं और शेरनी को उस दुष्ट बाघ के हमले और उस रंगीन शेर के बारे में बताते हैं। महारानी जी, वह रंगीन शेर बहुत ही दयालु और बहादुर है। उसने मेरी और हिरन की जान बचाकर हम दोनों पर उपकार किया है। सीमा शेरनी उस रंगीन शेर को अपने पास बुलवाती है। आओ रंगीन शेर, मैंने सुना है कि तुमने मेरे जंगल के जानवरों की एक दुष्ट बाघ से जान बचाई है। मैं तुम्हारे इस उपकार से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो? सीमा शेरनी, मेरा नाम गब्बर है। मैं पास वाले जंगल में रहा करता था, परंतु एक दिन एक भयंकर तूफान के चलते मेरे बीवी बच्चे उस तूफान में मारे गए और मैं अकेला हो गया। तब से मैं इस संसार में अकेला हूँ और मेरा कोई नहीं है। गब्बर शेर की यह बात सुनकर सीमा शेरनी को उस पर दया आ जाती है। सुनो गब्बर शेर, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। अब से तुम हमारे इस जंगल में रह सकते हो। तब गाय सीमा शेरनी से कहती है। महारानी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे महाराज का देहांत हुए काफी समय बीत गया है। आपका बेटा शिम्बा अभी बहुत छोटा है। हमें इस समय एक बहादुर शक्तिशाली राजा की जरूरत है। हम सब चाहते हैं कि आप इस बहादुर गब्बर शेर से शादी कर लीजिए। इस तरह शिम्बा को एक पिता मिल जाएगा और गब्बर शेर हम सब जानवरों की रक्षा करेंगे। गाय की बात सुनकर सीमा शेरनी और गब्बर शेर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सीमा शेरनी गब्बर शेर से शादी कर लेती है। गब्बर शेर जंगल के जानवरों की हर काम में मदद किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ जानवरों को सीमा शेरनी एक पेड़ के नीचे मरी पड़ी दिखाई दी। उसे देखकर सभी जानवर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी गब्बर शेर वहां आता है। सीमा शेरनी को इस हाल में देखकर गब्बर शेर भी बहुत परेशान हो जाता है। अरे सीमा, यह तुम्हें क्या हो गया? यह तुम्हें किस बहरम ने मार डाला? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। अब सिम्बा गब्बर के साथ ही अकेले रहने लगा। काफी समय बीत गया और सिम्बा अब बड़ा हो गया। एक दिन जंगल का एक भालू सिम्बा शेर से मिलने उसकी गुफा की ओर आ रहा होता है। तभी वह कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि गब्बर शेर एक बाघ के साथ मिलकर एक हिरण को खा रहे होते हैं। यह देखकर भालू फौरन सिम्बा शेर के पास आता है और उसने जो भी देखा वह सिम्बा को सारी बात बताता है। भालू, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह बाघ वही है जिसने एक बार हमारे जंगल की एक गाय और हिरनी को मारने की कोशिश की थी। हाँ सिम्बा शेर, यह दुष्ट बाघ वही है, परंतु मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पिता गब्बर शेर उस दुष्ट बाघ के साथ कैसे हैं। सिम्बा हो ना हो, दाल में जरूर कुछ काला है। तब सिम्बा उसी समय सभी जानवरों को लेकर वहाँ पहुँचता है। सिम्बा को जानवरों के साथ अचानक वहाँ देखकर बाघ और गब्बर शेर हैरान हो जाते हैं। तब भालू कहता है, गब्बर शेर, आखिर यह सब क्या है? तुम इस दुष्ट बाघ के साथ कैसे भोजन कर सकते हो? गब्बर शेर कहता है, मैं इस बाघ के साथ इसलिए हूँ क्योंकि यह मेरा दोस्त है और आज हम दोनों तुम सभी जानवरों का भी शिकार करेंगे। इससे पहले कि बाघ और गब्बर शेर जानवरों पर हमला करते, सिम्बा शेर जानवरों के साथ मिलकर उन दोनों पर हमला कर देता है। सभी मिलकर बाघ और गब्बर शेर की खूब पिटाई करते हैं। तब बाघ बोलता है, रुको रुको भालू, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल यह गब्बर कोई रंगीन शेर नहीं है, बल्कि उसकी खाल में कालिया शेर है। हम दोनों एक जंगल में रहते थे और दोनों मिलकर शिकार कर लिया करते थे, परंतु एक दिन ऐसा आया कि हमारे जंगल में शिकार करने के लिए एक भी जानवर नहीं बचा। उसी दौरान हमें पता लगा कि इस जंगल के राजा का देहांत हो गया है। तब हम दोनों ने एक प्लान बनाया और इस काले शेर ने एक शेर का शिकार करके उसकी खाल ओढ़ ली। सुनो बाघ, अब मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हमें इस जंगल
के जानवरों का शिकार करने के लिए पहले इस जंगल के जानवरों का दिल जीतना होगा। मैं एक बार जंगल के जानवरों का दिल जीत लूं, उसके बाद मैं इस जंगल की महारानी सीमा शेरनी से शादी कर लूंगा। उसके बाद मौका मिलते ही हम सीमा को मार देंगे और दोनों मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे। तब मौका मिलते ही हम दोनों ने एक दिन सीमा शेरनी को मार डाला। इस तरह इस कालिया शेर ने मुझसे यह सब करवाया। देखो भाइयों, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम मुझे छोड़ दो। बाघ की बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वह गब्बर शेर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। फिर जंगल के जानवर भी मिलकर बाघ को वहीं मार देते हैं। इस तरह सिम्बा अपनी माँ का बदला उस दुष्ट गब्बर शेर और बाघ से ले लेता है और फिर सभी जंगल के जानवरों के साथ मिलकर खुशी से रहने लगता है।